सिंगर मोनाली ठाकुर, जिन्होंने कई खूबसूरत गाने बॉलीवुड को दिए हैं, हाल फिलहाल वो दिल्ली में नजर आई। उनसे बात की हमारी संवाददाता चेतना भटनागर ने। ब्यूटीफुल मोनाली इस वक्त हमारे साथ में है। मोनाली इतनी खूबसूरत है, सिंगिंग के अलावा कभी आपने सोचा कि एक्ट्रेस बन जाए टॉप शॉट? कभी टॉप शॉट मैंने किया, नागेश सर का ही फिल्म किया ना लास्ट ईयर, बट यस आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, होपफुली आई विल सून डू सम स्टफ। यस, तो पहला सॉन्ग जब आपने सोचा कि गाना है, तो कैसे दिमाग में आया कि यार सिंगर ही बनना है और बॉलीवुड में ही जाना है? बॉलीवुड हमारा सबसे कमर्शियल प्लेटफॉर्म अगर है गाने के लिए भी तो बॉलीवुड म्यूजिक ही है, तो इसलिए पहले वही सोचती थी सिर्फ। लेकिन हाँ, अभी ज़रूर मैं चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी ऊपर आए, और उसी उसके तरफ आई एम वर्किंग अ लॉट ऑल्सो। आई होप आई कैन सरप्राइज माई ऑडियंस। बट बचपन से मैं गाना गाती थी, नाचती भी थी। आई यूज्ड टू बी इन थिएटर्स ऑल्सो, लाइक स्कूल थिएटर स्किट्स एंड ऑल दैट स्किट्स, इसलिए। और फैमिली में भी सभी यही करते हैं, तो ये नेचुरली है। मॉम डैड ने जीन्स दिया तो यही करना था। पढ़ाई मैंने ख़त्म भी नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉन्ट एवर डू अ जॉब, और मैं यही करूँगी, आई विल बी एन आर्टिस्ट। यस, आपको नेशनल अवार्ड भी मिल गया तो जब नेशनल अवार्ड मिला आपको, तो आपने सोचा था कि मतलब इस तरह से आप इतनी जल्दी और इतनी कम एज में ग्रो करेंगी? मैंने ये इंटरव्यू में बोला था, और मैंने देखा वो लिखा उन लोगों ने हेडलाइन वैसे दिया था कि सीरियसली नहीं लेती मोनाली अवार्ड्स। नो, मैं डरती हूँ अवार्ड से, और मैं बट यस आई डोंट कीप इन माय माइंड कि हाँ मुझे अवार्ड मिला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि यही होता है कि उस वक्त उस मोमेंट में यू फील अमेजिंग कि हमने जो मेहनत किया उसका आप लोग प्यार दे रहे हो वापस, एंड दैट्स एन आउटस्टैंडिंग फीलिंग। सो तब यू फील वेरी इनकरेज्ड और वेरी पॉजिटिव कि और भी करे और भी करे और भी करे और भी अच्छा करे ना। सो दैट इज़ दी ओनली रोल प्ले एक अवार्ड मेरे लाइफ में रखता है, अदरवाइज मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। सो पता नहीं है ये ज़िंदगी इनफ है कि नहीं टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू सो मच। नहीं, अभी आपके सामने बहुत बड़ी लाइफ है और बहुत छोटी है अभी आप। जब आप एक्टर बनने का सोच ही रही हैं, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहें बॉलीवुड में? बॉलीवुड में गुड दैट यू मेंशन्ड, बॉलीवुड में आई लव इरफान खान, आई जस्ट लव हिम। मिस्टर बच्चन, ऑफ कोर्स ही इज मिस्टर बच्चन। देयर आर सो मेनी, नवाजुद्दीन इज फैंटास्टिक एन एक्टर। बंगाल सिनेमा में देयर आर सच फैंटास्टिक एक्टर्स, एंड रीजनल सिनेमा देयर आर सो मेनी गुड एक्टर्स। बहुत है, बहुत सारे, काफ़ी लंबी है एक्चुअली। या देर आर, एंड इन फैक्ट देर आर सो मेनी यंग टैलेंट्स आर कमिंग अप, आई होप आई गेट टू वर्क विद देम आल्सो सून। और आप बॉलीवुड के अलावा जैसे सिंगर्स भी हैं, चाहे वो क्लासिकल सिंगर्स हो या सिंगर्स हो बॉलीवुड से ले लीजिए, आपका फेवरेट कौन है और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है उनका? सिंगर या सिंगर? मेरे फेवरेट मेरे अभी गुरु जी अभी हैं नहीं, वो पंडित जगदीश प्रसाद जी। आई हिज ठुमरी वॉज लाइक, मैंने उनसे सीखा है, तो मैं पागल हो जाती थी उनको सुन के। बड़े गुलाम अली खान साहब मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट, बट पटियाला घराना ठुमरी उनके मुँह से सुन के दैट वॉज बाई फार डेफिनेटली माई फेवरेट। और बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे देश में, मैं ऐसे एक नाम तो नहीं ले सकती, बट सलील चौधरी एज ए म्यूजिशियन मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने उनको बहुत फॉलो किया है उनके म्यूजिक को। योर फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे अगेन, ये भी एरा में अगर अच्छा, मैं सलीम सुलेमान से ये हौसला, आई लव दैट सॉन्ग। मौला मेरे मिथुन ने किया था, रूप कुमार राठौर ही हैड संग दैट सॉन्ग, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। देयर आर सो मेनी सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स।